नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का भूगोल का पहला अध्याय देखेंगे, जिसमें हम सौर मंडल में हमारी पृथ्वी का क्या महत्वपूर्ण रोल है और सौर मंडल में और विभिन्न कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जब हम किसी भी गैलेक्सी या जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो उससे पहले हम ब्रह्मांड का एक नक्शा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी विभिन्न विभिन्न आकाशगंगा या गैलेक्सीज देखी गई हैं। उसमें से एक हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। इस गैलेक्सी में बहुत सारे अलग अलग सोलर सिस्टम्स या सौर मंडल देखे गए हैं, या जिनको हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही एक सौर मंडल हमारा है, जिसमें मुख्य जो है वो आपका सूर्य है और उसके आसपास हमारे ग्रह हैं जो घूमते हैं। तो इस ब्रह्मांड में विभिन्न आकाश गंगाएं पाई गई हैं, जो कि तारों का, बहुत सारे इंटरडस्ट मटेरियल्स का और डार्क मैटर का एक समूह है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। जो सबसे दूर आकाशगंगा डिस्कवर की गई है अभी तक, उसका नाम GNZ-11 है। और हबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आकाशगंगाएं 3 तरीके की हो सकती हैं। या तो ये इलिप्टिकल हो सकती हैं, जिसको हम ओवल शेप भी कह सकते हैं, या फिर ये राउंड शेप में स्फेरिकल हो सकती हैं, जैसे एंड्रोमेडा है, सोम्बेरेरो है, और सोम्बेरेरो जो है एक अनबार्ड गैलेक्सी है। इसी तरीके से कुछ गैलेक्सीज लेंटिकुलर भी हो सकती हैं। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग गैलेक्सीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो आकाश में देखे गए हैं। इसमें से प्रमुख जो हैं उनको हम कॉन्स्टलेशंस या नक्षत्र भी कहते हैं। हमने जो विभिन्न आकाशीय बॉडीज देखी हैं या सेलेस्टियल बॉडीज देखी हैं, उसमें मुख्यतः सूर्य या सन है। उसके अलावा हम बोलते हैं कि विभिन्न ग्रह या प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारे आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं रात्रि के नक्शे में, जिसको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जितनी भी ये बॉडीज़ होती हैं, जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, इनको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक वो जो स्वयं का प्रकाश देती हैं, और एक वो जो दूसरों के प्रकाश पर निर्भर रहती हैं। जैसे हम बोलें सूर्य, तो सूर्य स्वयं का प्रकाश देता है या लाइट एमिट करता है, जबकि जितने भी ग्रह हैं, मून है, चंद्रमा है, ये सब क्या हैं, ये सब सूर्य की रोशनी को काम में लेते हैं, तो ये अपनी स्वयं की ऊर्जा या लाइट एमिट नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो ग्रह है, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, वो ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर या भटकता हुआ, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो उस चीज़ को, उस वस्तु को बाद में नाम दे दिया गया प्लैनेट या ग्रह। इसी तरीके से हम अपने उत्तरी दिशा का पता किस तरीके से लगाते हैं, उत्तरी दिशा का पता हम नॉर्थ पोल या पोल स्टार से लगाते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ स्टार भी कहा गया है। अब बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टलेशंस हैं जिनको हम नक्षत्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी जो राशियां हैं उसके हिसाब से आपके 12 नक्षत्र यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। हर नक्षत्र की एक अलग शेप या अलग आकृति है, जिसके द्वारा उसको बताया जाता है, उसको डिपिक्ट किया जाता है। इसी में से एक जो हम आज बात करेंगे, उस कॉन्स्टलेशन में, ऐसे तो हम मानते हैं कि 88 मेजर कॉन्स्टलेशंस हम देखते हैं, पर जो हम आज कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं उसका हिस्सा है उर्सा मेजर। तो ये जो येलो कलर से आप देख सकते हैं, ये हिस्सा उर्सा मेजर का है, जिसको बिग डिपर भी कहा गया है। और उर्सा मेजर में हम बोलते हैं कि जो सबसे ब्राइट स्टार है वो एलियोट है, और उर्सा माइनर में जो सबसे ब्राइट स्टार है वो पोलरिस है। इन्हीं 7 स्टार्स से जो है आपका सप्तऋषि मंडल बनता है, जो इस उर्सा मेजर का हिस्सा है। और इस उर्सा मेजर में जो सप्तऋषि मंडल बनता है, भारतीय संस्कृति के लिए या भारतीय परिवेश में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल महत्वपूर्ण फिगर बनता है, क्योंकि 7 जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माना गया है एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी स्टडीज़ में और एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी स्टडीज़ में। अब अगर हम ग्रहों का वर्णन करें,
हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य से हम शुरू करेंगे तो आपका बुध ग्रह, जिसको हम मरकरी कहते हैं, फिर वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं, फिर पृथ्वी जिसको हम अर्थ कहते हैं, और मार्स जिसको हम मंगल कहते हैं। ये चारों ग्रह जो हैं इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा गया है, जो सूर्य के पास हैं, जहाँ पर रॉकी सब्सटेंसेस ज़्यादा पाए गए हैं, और ये छोटे ग्रह हैं। इनके उपरांत जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, वो एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट है, जिसको शुद्र रेखा भी कहा गया है। ये शुद्र रेखा जो है मार्स या मंगल और जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में अंतर पैदा करती है। और उसके बाद जो आपके प्लैनेट्स आते हैं उनको जोवियन प्लैनेट्स कहा गया है, जो कि जुपिटर जैसे हैं या कि बृहस्पति जैसे हैं, बड़े प्लैनेट्स माने गए हैं। और ऐसा माना गया है कि ये मुख्यतः इनका जो घनत्व है वो बहुत ही कम है। इसमें से भी जो दो ग्रह हैं जो कि हम बृहस्पति और शुक्र कहते हैं, बृहस्पति और शनि कहते हैं, सॉरी जुपिटर या कि बृहस्पति और सैटर्न या कि शनि कहते हैं, ये दोनों मुख्यतः गैस के बने हुए हैं। इसके बाद के जो ग्रह हैं, जिनको यूरेनस और नेपट्यून या अरुण वरुण कहा गया है, ये दोनों ही ग्रह आपके मुख्यतः बर्फ के बने हुए हैं। तो ये कुछ आपके 8 प्लैनेट्स हैं। जो आखिरी प्लैनेट है, जिसको प्लूटो कहा गया है, वो पहले इस ग्रहों का हिस्सा माना जाता था, पर अब उसे ड्रॉफ प्लैनेट की संज्ञा दे दी गई है, या उसको प्लैनेटॉइड नाम दे दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि उसी रिंग में बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। तो जिस भी प्लैनेट का भार प्लूटो से 27 गुना ज़्यादा है, सिर्फ उसी को ग्रह या प्लैनेट माना जाएगा, बाकी सबको प्लैनेटॉइड माना जाएगा। कुइपर जो है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, जो हमने देखा मार्स और जुपिटर के बीच में है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसी तरीके से आपके नेपट्यून के बाद में एक क्विपर बेल्ट है, और ये क्विपर बेल्ट मुख्यतः बर्फ का बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस क्विपर बेल्ट के भी पीछे आपका प्लूटो आता है, और इसीलिए ये बहुत छोटा है, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ चुका है, जो सूर्य के आसपास घूमने का ऑर्बिट है, या जो परिक्रमण है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं सूर्य के आसपास, वो पाथ ये छोड़ चुका है, और इसलिए अब इसको एक ग्रह नहीं माना जाता है। सिरस जो है सबसे बड़ा शुद्र रेखा में आने वाला एस्टेरॉइड है, जो कि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो सिरस है। इसी तरीके से प्लैनेट 9 में जो है आपका, जो क्विपर बेल्ट में है, वो प्लैनेट 9 एक आता है, जो कि अर्थ के मास से लगभग 10 गुना बड़ा है, और इसको भी प्लैनेटॉइड या ड्राफ स्टार माना जाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी की संरचना समझना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी, जैसा कि हम गेंद की तरह मानते हैं, पूर्ण रूप से स्फेरिकल नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका डायामीटर कम है, जबकि इक्वेटोरियल क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसका डायामीटर ज़्यादा है। तो अगर हम पृथ्वी की स्टडी करें, तो जो इक्वेटोरियल डायामीटर है और पोलर डायामीटर है, उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इस पृथ्वी की शेप स्फेरिकल नहीं है, जबकि जियोइड है या ऑब्लेट स्फियराइड है, मतलब पोल्स या ध्रुवों की तरफ से ये थोड़ा कम है, जबकि इक्वेटर की तरफ से या भूमध्य रेखा की तरफ से इसकी शेप थोड़ी ज़्यादा है। ये सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया गया है, और मास की दृष्टि से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट हम इसको बोलते हैं। अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, तो मुख्यतः सिलिका सबसे ज़्यादा पाया गया है, उसके बाद एल्यूमिनियम और लाइम पाया गया है। अगर मास के रेशो में, भार के रिस्पेक्ट में हम इसको समझने की कोशिश करें, तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया गया है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया गया है, और फिर सिलिकॉन कंटेंट पाया गया है। पृथ्वी को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। जो भारी सतह है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर मेंटल होता है, और जो सबसे केंद्र का होता है उसको हम कोर कहते हैं। जो भारी क्रस्ट है उसमें लगभग 47% ऑक्सीजन देखा गया है। और पृथ्वी में दो प्रमुख चीज़ें हम देखते हैं, एक तो वो अपनी धुरी पे घूमता है। जब वो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तो उसको घूर्ण या रोटेशन कहा जाता है। और जब पृथ्वी जो आपका सूर्य है उसके चारों तरफ घूमती है, तो उसको परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहा जाता है। जब परिक्रमण और रिवोल्यूशन होता है,
तो दो चीज़ें होती हैं, एक जगह पे वो सूर्य के सबसे पास होती है और दूसरी जगह पे वो सूर्य से सबसे दूर होती है। तो जिस जगह पे वो सबसे पास होती है उस जगह को पेरिहीलियन कहा गया है। हीलियन शब्द का मतलब ग्रीक में सूर्य होता है और पेरी मतलब हिंदी में आप इसको पेरी पी से पास समझ सकते हैं। तो ये सबसे पास का हिस्सा है जो सूर्य के रहता है और दूसरा है एपिहेलियन जो सूर्य से सबसे दूर का क्षेत्र माना गया है। तो ये कुछ दो प्रमुख चीज़ें हैं पृथ्वी के बारे में। अब हम चंद्रमाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रमाओं या सैटेलाइट्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक वो सैटेलाइट जो कृत्रिम रूप से छोड़े जाते हैं जिनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा गया है और दूसरे वो जो कि नेचुरली पाए गए हैं, जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है। इसी तरीके से टाइटन जो है वो सैटर्न का सैटेलाइट है और इसको दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट माना गया है। तो शनि का सैटेलाइट जो है वो टाइटन है। इसी तरीके से जुपिटर या बृहस्पति का सैटेलाइट आपका गैनीमेडी है। आप अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में हम ज्वारभाटा जो देखते हैं पृथ्वी पे, जो समुद्र में लहरें ऊपर होती हैं या कम होती हैं, जिसको हम हाई टाइड या लो टाइड कह के भी संबोधित करते हैं, वो मुख्यतः सूर्य के और पृथ्वी के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से गवर्न होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। अब सूर्य या चंद्रमा को समझने के लिए दो महीनों की हम बात करते हैं। एक साइनोडिक मंथ होता है, एक सिडरल मंथ होता है। सिडरल मंथ का मतलब होता है दूसरे जितने भी तारे हैं उसके रेफरेंस में अगर हम एक परिक्रमण की बात करें या एक रिवोल्यूशन की बात करें तो वो लगभग 27 दिन और 27.3 दिन में ख़त्म होता है। दूसरी तरफ अगर साइनोडिक मंथ की बात करते हैं तो ये सूर्य के रेफरेंस में जो परिक्रमण मून के द्वारा किया गया है उसको काम में लिया जाता है और इसका दौरान जो माना जाता है वो 29.53 डेज माना जाता है। तो ये जो है साइनोडिक मंथ जो है सिडरल मंथ से थोड़ा लंबा होता है। मुख्य कारण ये है कि साइनोडिक मंथ में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में अलाइन होने चाहिए। भारत के द्वारा बहुत सारे मिशन छोड़े गए हैं, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो कि अनमैन्ड मिशन थे चंद्रमा पर बाद में हमने और भी अनमैन्ड मिशन की बात की है, जैसे टीम इंडस एक और अनमैन्ड मिशन है जिसकी हम बात करते हैं। अब कुछ प्रमुख चीज़ें जो आपको ब्रह्मांड में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेराइड्स या शुद्र रेखा की। सो एस्टेराइड्स जो हैं वो जैसा कि हमने बात की मंगल और बृहस्पति के बीच में रॉक्स की एक लाइन है जो देखी गई है। मीटियोराइड्स जिसको हम उल्कापिंड भी कहते हैं, ये वो मीटियोर्स हैं जो पृथ्वी पर आके घर्षण की वजह से गिर जाते हैं और जब गिरते हैं तो एक बहुत ही तेज लाइट की चमक आती है जिसको मीटियोराइड्स कहा गया है। कॉमेट्स जिनको उल्कापिंड कहा गया या जिनको सॉरी पुच्छल तारा कहा गया है, उल्कापिंड आपके मीटियोराइड्स हो गए। कॉमेट्स जिनको पुच्छल तारा कहा गया है ये एक गैस या आइसी सब्सटेंस की टेल रखते हैं या पूंछ रखते हैं और वो जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है या सूर्य से दूर होती है और इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहा गया है या पूंछ वाला तारा कहा गया है। और फिर आपके पल्सार्स होते हैं जो बहुत हाई स्पीड पे स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हो गई जो आपके सौरमंडल में हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम और भी अध्याय आपके लिए लेके आएंगे भूगोल के कक्षा 6 के बाद के, तो आप चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर कुछ भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।